प्रदेश सरकार व प्रदेश के आला अधिकार इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसान की लगी लंबी लाइन कुछ और ही बयां करते हैं। किसानों की अगर हालात देखी जाए तो आज भी किसानों को दिए डीएपी खाद के कट्टों के लिए घंटों लंबी लंबी लाइनों में लगा रहना पड़ता है। उसके बाद भी उन्हें जरूर से मुताबिक डीएपी नहीं मिल पा रहा। डीएपी नहीं मिलने के कारण किसान अन्य साधनों से अपनी गेहूं व सरसों की बुआई कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी जरूरत के हिसाब से डीएपी क्षेत्र में नहीं भेजा जा रहा। वहीं किसानों ने निजी दुकानदारों पर खाद का ब्लैक करने का आरोप लगाया है। दिक्कत बहुत ही ज्यादा है क्योंकि लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, डीएपी मिल नहीं रहा, किसान परेशान है। कोई पोटास से बो रहा, कोई एसएसपी से, कोई किसी चीज से, पर उसका कोई समाधान नहीं हुआ सरकार पे। नहीं, सरकार तो दावा कर रही है कि किसानों को प्रॉपर तरीके से खाद मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा जी। बस गांव में 600 कट्टे बटे हैं और बटने चाहिए 2000 कट्टे। बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जिम्मेदार। तो इसके लिए अब कोई समाधान हुआ सोने से, कहीं और से हो रहा है, कुछ उम्मीद है अभी? कोई उम्मीद नहीं है, किसी प्रकार की कोई नहीं है। कहते हैं रेक लगा, सरकार कह रही है खाद की बहुत ज्यादा हमारे पास हुए, भंडार भरे पड़े, पर जमीनी लेवल पर कोई भी खाद नहीं है। खाद को लेकर क्या किल्लत चल रही है भाई? खाद को लेकर जी किल्लत जिम्मेदार को बहुत ज्यादा चल रही है जी। क्या क्या दिक्कतें हैं? और सरकार तो कह रही है आपको पूरे? नहीं जी, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। हमारे गाँव मैं 600 कट्टे पहुंचे हैं जबकि 13 गांव हैं जी। कोई एसएसपी से बोल रहा है, कोई किसी से बोल रहा है, बस नू समझ लो जिम्मेदार बहुत ज्यादा परेशान है। तो अल्लगढ़ से ला रहे हैं, कहीं से ला रहे हैं, लाइन में लग लग के बहुत। तो अभी कोई समाधान करा सरकार ने? नहीं, अभी अधिकारी ने कोई? अब भी मैं इधर से आया हूँ साचौली बैंक से, उधर भी अभी नु करे, कोई उधर नहीं है अभी। तो ये आपकी बुआई का अभी तक कब तक टाइम हो रहा है? अभी तक टाइम तो जी 15 तारीख तक 20 तारीख तक रहता है बढ़िया टाइम, तो फिर आगे तो कभी तक बोई जाओ। तो अब आगे जो अगर खाद आता है तो किसानों के लिए दिक्कत रहेगी? हाँ जी, दिक्कत ही दिक्कत। अब खेत बू जाएंगे फिर उस खाद का फायदा क्या, जब आएगा टाइम पे ही नहीं बुएगा तो। अभी चल रही है यहाँ तो खाद भाई सब आई नहीं रहा, जिम्मेदार को मिल ही नहीं रहा, लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। जब भी दो दो कट्टे मिल रहे हैं, कहीं बल्लोगढ़ से ला रहे हैं, कहीं सोना से ला रहे हैं, दो कट्टे मिलते हैं, उनसे क्या होता है? लेकिन प्रशासन आपको किस तरह गुमराह कर रहा है? जो प्रशासन, हम तो प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे, जब हम जो हमारा बैंक है साचौली बैंक लगता है वहाँ पे ही खाद नहीं आ रहा, उनसे हम बार बार कहते हैं खाद लाओ, और प्रशासन ये कहता है कि खाद बहुत है, किसी को दिक्कत ही नहीं होगी जिम्मेदार को। तो इसके लेकर जो एसडीएम लेवल के अधिकारी का कोई कार्रवाई कर रहे हैं कोई इस तरह के किसानों की बात पर, कहीं छापे मार रहे हो कुछ? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कर। तो क्या क्षेत्र में कोई ब्लैक का भी खाद यहाँ मिल रहा है, कोई है इस तरह की शिकायत? ब्लैक है कुछ जिम्मेदार, मतलब कुछ दुकान वाले ब्लैक दे रहे हैं, वो भी प्राइवेट वाले जी। करीब कितने का है ब्लैक यहाँ पर? लगभग 1500, 1600, 1700 जैसे जिसका किसानों को किसान ले रहे हैं मजबूरी। हाँ, मजबूरी है सर, क्या करें। क्या नाम आपका? नेत्रपाल नंबरदार। सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट।